जिस प्रकार देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है, जिसे लेकर अच्छी खरीदारी की उम्मीद के साथ ही सोमवार को धनतेरस का बाजार खुला। भगवान गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा से लेकर मिट्टी के दिए और खिलौनों की दुकान भी सुबह से ही सजा दी गई। वहीं बाजारों में लोगों की भीड़ भी नजर आनी शुरू हो चुकी है। ज्योतिर्विदों के मुताबिक सोम प्रदोष का त्रयोदशी के साथ आगमन बाजार में खुशहाली का संकेत है और इस दिन हस्त नक्षत्र और तुला का चंद्रमा होना व्यापार में वृद्धि का संकेत दे रहा है। तो आपको बता दें कि आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस यानी कि आज लोग बाग जमकर खरीदारी करते हैं सोने चांदी या फिर बर्तनों की खरीदारी। तो सिर्फ सोने चांदी और बर्तनों की ही खरीदारी की जाती है या इसके अलावा और भी कुछ, या फिर कौन सा मुहूर्त उनके लिए शुभ है, क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, मार्केट कैसा चल रहा है, किससे उन्हें फायदा होगा किससे नुकसान, यही सब हम आपको हमारे आज के इस स्पेशल शो में बताने वाले हैं, जिसका नाम है धन बरसे। तो चलिए आज हमारे शो में हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। कमल शर्मा हमारे बिजनेस एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज से, मनोज गोयल रेडीमेड कारोबारी, राजेंद्र कसोट इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी। तो ये सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज इस शो में धन बरसे में। तो इन सभी से आज हम जानना चाहेंगे अलग अलग इनके विभाग से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं राजेंद्र कसोट जी से जानना चाहूंगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस से रिलेटेड हैं, कि आजकल ऑनलाइन खरीद का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग बाग ऑनलाइन ही खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मार्केट पर कैसा असर देखने को मिल रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग निश्चित बात है कि आजकल काफी प्रचलन में आ गई है, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी स्टडीज हैं, जो भी इकोनॉमिक्स फोरम के ऊपर में और जो भी मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, उससे मुझे आने वाले टाइम में इसका कोई ज़्यादा भय नहीं है। इससे ज़्यादा मैंने कि अपने व्यापारियों को ज़्यादा चिंता करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि इस सब चीज़ों में जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनके साथ में सबसे बड़ी चीज़ होती है आफ्टर सेल सर्विस एंड गारंटी, जो कि शायद ऑनलाइन वालों से हम अपेक्षा नहीं कर सकते और ना ही उनके साथ में अभी तक का कोई अच्छा सुखद अनुभव प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो रिप्लेस कर देते हैं ये कर देते हैं, लेकिन फिर भी बड़े आइटम्स जो हैं, जहाँ तक मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद ऑनलाइन जो है अभी एक बूम है, लेकिन ये उसी तरह से शांत हो जाएगा जिस तरह हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं और थोड़ी देर बाद वो सब्साइड हो जाती है। तो मेरे अपने में मेरा एक आपसे एक सवाल है कि धनतेरस पे इस समय इलेक्ट्रॉनिक बाजार में किस तरह की ग्राहकी देखी जा रही है, लास्ट ईयर से कैसी कंपेयर करें तो? नहीं देखिए, मैं खुद उदाहरण अपना ही दे देता हूँ साहब कि लास्ट ईयर तो मैंने कुछ ऐसा कुछ ख़रीदा नहीं था, लेकिन इस साल तो इस टाइम तो मैंने भी काफ़ी ज़बरदस्त शॉपिंग कर डाली है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद बाज़ार अच्छा है, बाज़ार का रुझान अच्छा है। कुछ ज़रूर हम पेपर के थ्रू पढ़ते हैं कि बाज़ार में थोड़ा मंदी है ये, लेकिन मैं अपना ओन एक्सपीरियंस आपसे सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि बाज़ार जो है वो काफ़ी अच्छा है और रियल सेल्स हो रही है, मतलब जिसको ज़रूरत है वो ले रहा है, कोई रखने के लिए नहीं रहा, काफ़ी अच्छा मतलब मार्केट है, मेरा अपना मानना है। मैं खुद नहीं सोचता था कि मैं इस साल में इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदूंगा, लेकिन मैंने ख़रीदा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बाकी लोग भी शायद इसी थॉट प्रोसेस में होंगे और बाजार में अच्छी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन इस साल जैसे खेती बाड़ी बहुत कमज़ोर रही है, कमज़ोर मानसून था, गाँवों में पैसा नहीं पहुँचा है, तो जो ग्रामीण बाजार है, क्यों राजस्थान पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, तो वहाँ से कैसी ग्राहकी देखने को मिल रही है? बहुत
वक्त सवाल बहुत बढ़िया है सब आपका, लेकिन मैं अभी बारिश से या फसल से लेकर के इसको बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि इस टाइम लोगों के पास में जैसे हमारी रियल इस्टेट की जिस तरह से बूमिंग हुई है, उस तरह से लोगों के पास में अभी इतनी तंग हाली नहीं है। और भगवान ने चाहा तो अगले टाइम तक ये जो बरसात की जो शॉर्टफॉल रही है अगर वो भी ठीक हो जाएगी तो निश्चित है कि आने वाला टाइम बेटर मार्केट होने के उम्मीद है। मनोज जी, आप क्या मानते हैं इसी बात पर कि ग्रामीणों में पैसा नहीं पहुंचा गांव के अंदर, तो गांव की गिरायकी कैसी देखी जा रही है शहरों में? देखो जी सर, ऐसा है कि गांव की गिरायकी पे कोई भी इफेक्ट बाजार पे नहीं पड़ा है। ये जो एक बनाया हुआ माहौल है, पेपरबाजी समझ लीजिए आप या न्यूज के सब समझ लीजिए, ऑलरेडी मार्केट बहुत बढ़िया है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, पिछले कुछ ही महीनों से मार्केट डाउन था, लेकिन जब से नवरात्र स्थापना हुए हैं जब से मार्केट की बहुत बढ़िया उम्र है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। मार्केट ग्रामीणों में भी ऐसा है कि सर आजकल वो बात नहीं रही कि परचेजिंग आप आज करते हो तो आपके पास पैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले फसल पर डिपेंड हुआ करता था, फसल के टाइम गिरायकी मार्केट में हुआ करती थी और उसके बाद गिरायकी नहीं होती थी, लेकिन आजकल चेंज हो गया। काश्तकार भी इतना मजबूत हो गया कि वो अपना स्टॉक अपने पास रखता है और जब मार्केट में अच्छी वैल्यू आती है, अच्छा मार्केट होता है, तभी वो अपने माल को निकालता है। तो वो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रामीण मंडियों में भी जाओगे तो इस वक्त भी उनके पास पूरा प्रेफर मार्केट में माल आ रहा है, उनका माल बिक रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है। अच्छा मनोज जी, आप तो कपड़े के व्यापारी हैं, रेडीमेड कपड़ा बने हुए वस्त्र आप बेचते हैं। पहले लोग होता था कि त्यौहार आते थे, दिवाली खासकर, तो लोग दर्जी घर पे बिठवाते थे या कपड़ा बाजार से खरीदते थे और फिर उसे सिलवाने के लिए देने जाते थे। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ कि रेडीमेड कपड़ों पर ज़्यादा है, वहाँ पर किस तरह की ग्राहकी देखने को मिल रही है इस बार? नहीं, ये आपका बिल्कुल सही है, पहले में अब में फैब्रिक में और रेडीमेड में काफ़ी फर्क पड़ चुका है। रेडीमेड कपड़ा काफ़ी इस वक्त बिक रहा है मार्केट में, और रेडीमेड बिकने से एक थोड़ा सबसे बड़ा बेनिफिट कस्टमर को ये हो रहा है कि पहले जो दर्जी ने सिल दिया, जो आपके गाँव में या आपके शहर में या आपकी कॉलोनी में दर्जी हुआ करता है जिसने कपड़ा सिल दिया, जो उसको डिजाइन पसंद आई, आपकी कोई चॉइस नहीं हुआ करती थी, जो उसने सिल दिया वो सिल दिया करता था। आज रेडीमेड मार्केट आने से आप इंटरनेशनल मार्केट जुड़ चुके हो, आपको बढ़िया बढ़िया डिजाइनर है, बढ़िया बढ़िया कंपनियों के कपड़े आते हैं, कस्टमर के पास में एक ही छत के नीचे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो कपड़ा है वो आपको मिलेगा, उसमें डिजाइनिंग काफ़ी आएगी और काफ़ी अच्छा कस्टमर को मिलता है इससे। अच्छा, जैसे हमने बात करी राजेंद्र जी से ऑनलाइन मार्केट की, ऑनलाइन के अंदर रेडीमेड में भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, तो क्या ऑनलाइन जो कंपनियां जो बेच रही है प्रोडक्ट्स और उसके आपके जो फिजिकल बाजार जो यहाँ मौजूद है उनमें कोई असर पड़ा है ग्राहकी को लेकर के? नहीं जी सर, वो असर उसका हमको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि एक रेडीमेड कपड़ा ऐसा होता है कि जब तक कस्टमर उसको पहनता नहीं है या दो दोस्तों के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में उसको शेयर नहीं करता और उसको अच्छा नहीं लगता जब तक वो लेता नहीं है। जो ऑनलाइन का जो फर्क इफेक्ट जो आप बता रहे हो वो केवल ब्रांडेड जो पहनते हैं, आप शर्ट परचेज कर सकते हो, आप टी शर्ट परचेज कर सकते हो, आप जीन्स परचेज कर सकते हो या आप ट्राउजर परचेज कर सकते हो। बच्चों के में अब जब तक आप उस बच्चे को पहनाओगे नहीं, ट्रायल नहीं कराओगे, जब तक उसको देखो नहीं, चार आइटम आप देखोगे नहीं, जब तक आप उसको नहीं ले सकते। जो मार्केट में बनाया हुआ है एक हवा बनाई हुई है कि ऑनलाइन का बहुत फर्क पड़ रहा है, ये उनकी अपनी एक मार्केटिंग है जिससे कि कस्टमर उन पर ज़्यादा से ज़्यादा खिंच के आए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके पास आए। बाकी आप प्रॉपरली ज़मीन पे जाओगे, दुकानदारों के पास जाओगे, तो ऑनलाइन का कोई भी मार्केट में इतना लंबा चौड़ा फैब्रिक में और रेडीमेड इफेक्ट नहीं पड़ रहा। शेरवानी है, सूट है, इंडो वेस्टर्न है या कुर्ता, राजस्थानी कुर्ते पजामे वगैरह हैं, इन पे ऑनलाइन का कोई भी आपको देखने को फ़र्क नहीं मिलेगा। जितने भी हमारे काउंटर हैं, हर लास्ट ईयर से हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमारे उसमें कोई कमी नहीं आई है, इम्प्रूवमेंट हमारा हो रहा है उसमें। राजेंद्र जी, ये इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उनमें लोगों की पहली वरीयता क्या है कि किस तरह के प्रोडक्ट इस समय बिक रहे हैं, क्योंकि मौसम यहाँ बदल रहा है, पहली बात तो बड़ी स्टेट का है, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं खरीदना? देखिए, इस टाइम मौसम बदल रहा है तो बात तो सही है सब की, द बेस्ट थिंग कि आप रूम हीटर लेते हैं, एक कोजी एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए अपने रूम के लिए एक आप रूम हीटर लेते हैं, बाथरूम के लिए आप गीज़र लेते हैं, ये तो है ही। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा आज जो प्रचलित है, सब लोगों की जो पहली चॉइस है वो है LED लेना। LED के अंदर में भी डिफरेंट वेरियंट्स आ गए, आजकल तो 3D तक आ गया, तो लोग आग खरीद रहे हैं सर। और मैंने किसी भी दुकान को खाली नहीं देखा, किसी भी दुकानदार को मैंने बैठा हुआ नहीं देखा, तो मुझे तो ये लगता है कि सब कुछ
ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि डरा जाए या भयभीत हुआ जाए, बाकी बाजार इज़ वेरी नाइस, अच्छी डायरेक्शंस के ऊपर में है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। पेपर क्या बोल रहे हैं या हमारे मार्केट सर्वेयर जो होते हैं वो क्या बोल रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता। अच्छा, वैसे ऐसी ग्राहक की ब्रांडेड में ज़्यादा या अनब्रांडेड में ज़्यादा चल रही है इस समय, लोग क्या चाहते हैं? लोग सर ब्रांडेड ही चाह रहे हैं सब। ब्रांडेड का मतलब है कि जिसकी एक स्टेबिलिटी हो मार्केट के अंदर में, जिसकी आफ्टर सेल सर्विस हो, जिसके रिपेयरिंग करने के लिए उसके सर्विस सेंटर हो, लोग उसको ट्रस्ट करते हैं सब और उसी पे जाना पसंद करते हैं। क्योंकि बेचने वाले ने एक बार बेच दिया लेकिन कल को अगर हमारे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो फिर बेचने वाले की जिम्मेदारी नहीं होती, वो तो एक टोल फ्री नंबर बता देगा कि आप इस टोल फ्री नंबर पर बात कर लीजिए, मैकेनिक आ जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा, कब आ जाएगा, इसके बारे में अगर आप एश्योर करते हैं तो निश्चित बात है कि आपका मार्केट वो ब्रांड मानता हूँ, मैं उसी को ब्रांड मानता हूँ सर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर मुझे ख़रीदना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक प्रोडक्ट लेते समय, जब खासकर हम टीवी, फ्रिज या एसी जो बड़ी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल छोटे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हमें किन का ध्यान रखना चाहिए कि उस हिसाब से हमें ख़रीदना चाहिए उनको? देखिए, ध्यान रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की। सबसे पहला चीज़ तो ये होना चाहिए कि हम लोगों के यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो वारंटी थोड़ा सा अगर अपन सर्च कर ले, आजकल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में वारंटी 5 साल की मिल रही है सर, इट इज़ ट्रू जी। लेकिन हमारे इंडियन जो सेलर हैं, जो भी बेच रहे हैं, वो शायद इस चीज़ को पास ऑन नहीं कर रहे कस्टमर के पास में, तो वो 1 साल की वारंटी देते हैं। तो हमें सबसे पहले तो वारंटी को देखना चाहिए और गारंटी को देखना चाहिए कि अगेंस्ट एनी डैमेज आपको वो क्या चीज़ से रिप्लेस कर रहा है। तो बेहतर है कि इस चीज़ को बहुत गौर से देखना चाहिए। बाकी जब आप ब्रांड में जा रहे हैं तो जिस शॉप पे आप जा रहे हैं या जिस ब्रांड पे जा रहे हैं तो बहुत कुछ चीज़ें तो आपके शॉपकीपर के साथ में जो एक पर्सनल रिलेशनशिप होती है वो मैटर करती है सर, कि व्हाट एक्सपेक्ट यू आर सर्विसिंग के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, वो आपको बताता है। एंड दैट इज़ अ मेजर थिंग सर, कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेना है पहले अपना स्टडी कर लीजिए, देन गो जिसको आप जानते हैं, जिसके साथ आपका ट्रस्ट है, जिससे आपकी कोई रिलेशनशिप है, बेहतर है कि उसके बाद जाइए, आपको कोई धोखा नहीं होगा। बाकी गारंटी जरूर देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में जो मेजर फैक्टर है वो है पावर कितना कंज्यूम हो रहा है उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर में, क्योंकि हमको आज अगर पैसा ज़्यादा लग रहा है किसी रेटिंग में, बेटर रेटिंग में जाने में, तो हमको वो पैसा लगा देना चाहिए क्योंकि उसकी हम फॉर एवर सेविंग करते हैं सर। अच्छा, आपने गारंटी और वारंटी की बात कही लेकिन सबसे बड़ी बात आती है सर्विस की। कई कंपनियों के प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं कि जिनकी बिक्री के बाद सेवा जो मिलना है वो बड़ी दिक्कत होती है, वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर बस वही अनब्रांडेड है सर, मैं उसी को अनब्रांडेड मानता हूँ जिसकी आफ्टर सेल सर्विस की कोई गारंटी नहीं हो। आपको वही प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसके आपको आपकी तकलीफ के टाइम पर आपको कंपनी साथ दे, मैं उसी को ब्रांड मानता हूँ सर। बाकी रहा सवाल स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट का, तो देर आर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छा कर रही हैं, लेकिन सबसे पहला इंश्योर करना है अपने आप को कि मेरे को आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं जिस शहर में ले रहा हूँ उस शहर में उसकी सर्विस सेंटर है या नहीं है, बस ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। आज हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा जाए तो मारुति जो है, मेरा जहाँ तक स्टडी है, जो हम सुजुकी मारुति है वर्ल्ड के अंदर में, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ऑटोमोबाइल फोर व्हील के अंदर में, लेकिन इंडिया में है बिकॉज उसकी सर्विस सेंटर है, इसलिए उसको लोग पूछते हैं। और यही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, यही चीज़ हमारे को जो जी कमल जी और फर्स्ट इंडिया के सभी गेस्ट को मैं यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये खास पेशकश धन बरसे जिसमें आज धनतेरस का दिन है और हम आपको बता रहे हैं क्या आपके लिए शुभ है, क्या आपको खरीदना चाहिए, किसकी उपयोगिता और किसका नुकसान कैसे, ये सारी चर्चा हमारी जो है जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी, तो बने रहिए हमारे साथ।